Students, how are you? I hope you are doing extremely well. Welcome to our YouTube channel Takshashila English School. Today we are going to learn about integers, chapter number 1 of class 7. In this chapter we will study more about integers, their properties and operations. In the first part of the video we are going to learn about integers, how to represent integers on a number line and addition and subtraction of integers. हमें ये पता है कि integers form a bigger collection of numbers, जिसमें whole numbers भी include है और negative numbers भी include है. आप देख सकते हैं, आप zero के right hand side पे whole numbers होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity, and on the left side negative numbers होंगे, -1, -2, -3 up to minus infinity तक. मगर यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी होगी कि जीरो को हमें इंटीजर्स में इंक्लूड करना है. जीरो इज आल्सो वन काइंड ऑफ इंटीजर. तो हम इंटीजर्स किसे कहेंगे कि सारे होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स एंड आल्सो जीरो. और जीरो के बाद जो नंबर्स होंगे उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और जीरो से पहले जो इंटीजर्स होंगे उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे. On the right side, you see the numbers. क्या वो integers होंगे? No, they are not integers because they are fractions, decimals, and we can say rational numbers. So we are not going to say them as integers. Now the second topic is to represent the integers on a number line. तो आज हम represent करेंगे integers को number line पे. तो पहले हम क्या करेंगे? Number line draw करेंगे. नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? एट द सेंटर वी हैव टू पुट जीरो, एंड ऑन द राइट साइड वी आर गोइंग टू पुट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी आर गोइंग टू पुट ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये प्लॉट होने के बाद हमें कुछ नंबर्स दिए गए होंगे. सपोज वी हैव गिवन 3 नंबर्स ऑन द राइट साइड, यू कैन सी हियर -4, +8, +3. तो हम एक एक करके वो नंबर्स को प्लॉट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन. तो पहले हमें प्लॉट करना है -4. तो -4 को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर -4 प्लॉट, देखो मैंने कैसे किया वीडियो पे. यस, दिस इज हाउ वी हैव डन. -4 को हमने सिंपली यहाँ पर राउंड अप किया है. तो ऐसे हम सिंपल -4 को राउंड अप करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वी हैव +8. तो +8 कहाँ पर है? ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड द प्लस नंबर. तो +8 हियर, सो वी हैव टू जस्ट मेक अ राउंड, एंड +3. So this is how we are going to represent the integers on a number line. These are very simple. If you understand the simple concepts, you are going to do it in your way. अगर आपको +10 करना है तो आपको राइट हैंड साइड पे एक लाइन बना के +10 लिख के वहाँ पर राउंड करना होगा. तो कितने नंबर्स चाहिए होंगे उतने आपको यहाँ पर प्लॉट करना होगा. Now the third part of the video is addition and subtraction of integers. आपको यहाँ पर दो नंबर्स के आगे कुछ साइंस होंगी, वो साइंस को देखकर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो आपको ढूंढना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, फॉर फाइंडिंग आउट दिस वी हैव टू लुक एट द टू साइंस इन फ्रंट ऑफ द नंबर्स. तो जो नंबर्स होंगे उससे पहले कौन सी साइन है वो दो साइंस को आप देख कर एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा वो आप डिसाइड करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू फॉलो द 4 रूल्स. तो रूल्स से उसके हिसाब से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे. हियर इज द फर्स्ट रूल, इफ यू हैव एडिशन, इफ यू हैव प्लस एंड द सेकंड साइन इज माइनस. अगर नंबर दो नंबर उसके सामने प्लस है, एक के सामने दूसरे के सामने माइनस है, तो आपको क्या करना होगा? माइनस. इन द सेम वे सेकंड रूल, अगर एक नंबर के आगे माइनस है, दूसरे नंबर के आगे प्लस है, तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा. देन द थर्ड रूल, दोनों के आगे प्लस है तो आपको क्या करना होगा? एडिशन, प्लस करना होगा. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट रूल, इफ नंबर्स के आगे माइनस साइन है दोनों नंबर्स के आगे, तो आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा. अब अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो दोनों साइंस अलग अलग होंगी, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगेन, अगर दोनों साइंस अलग अलग होंगी तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, इन द सेम वे इफ बोथ द साइंस आर सेम, दोनों की साइंस सेम होंगी, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. तो हम फर्स्ट रूल के एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पर +9, -4 है. तो
फर्स्ट साइन है प्लस, देन द सेकंड साइन इज माइनस। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन, प्लस एंड माइनस दोनों अलग अलग साइंस है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 4 करेंगे, आंसर विल बी 5। अब 5 के सामने प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा, जो उसके सामने जो साइन होंगे वो हम रखेंगे। दोनों में से बड़ा क्या है, 9 है, 9 एंड 4 में से बड़ा 9 है, 9 क्या कौन सी साइन है, प्लस है, तो हमने सिंपल वहाँ पर प्लस रख दिया। इन द सेकंड एग्जांपल इन द सेम वे 9 प्लस 9 माइनस 11, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, दोनों अलग अलग साइंस है, तो हम माइनस करेंगे, तो 11 माइनस 9 आंसर विल बी 2। अब 2 के आके कौन सी साइन आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, तो वो चेक करने के लिए हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा 11 है, तो 11 के आगे कौन सी साइन है, माइनस है, तो हम सिंपल वहाँ पर माइनस रख देंगे। सो दिस इज आवर रूल नंबर 1। नाउ द रूल नंबर 2, उसमें माइनस एग्जाम्पल्स में क्या है, माइनस 8 प्लस 4, एक तरफ माइनस की साइन है दूसरी तरफ प्लस की साइन है, दोनों साइंस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 4 द आंसर विल बी 4। अब हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला कि 8 बड़ा नंबर है, 8 के आगे कौन सी साइन है, माइनस है, तो हम सिंपल क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। ओके, द सेम वे सेकंड एग्जांपल आप खुद ट्राई कर सकते हो, आप माइनस 5 प्लस 9, पहले तो आप दोनों साइंस देखो, एक माइनस है एक प्लस है, तो अलग अलग होंगी, तो आप क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो 9 माइनस 5 आंसर क्या होगा, 4 होगा। और अब दोनों नंबर्स में आप कंपेयर करोगे, दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा नंबर है, आप बोलोगे 9, तो 9 के आगे कौन सी साइन है, प्लस है, तो आप क्या करोगे प्लस 4, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा है, आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, अगर 4 के आगे कुछ भी नहीं उसका मतलब क्या है, द साइन इज प्लस। नाउ द रूल नंबर 3, दोनों साइंस देखेंगे आप, प्लस 8 प्लस 3, दोनों के साइंस प्लस है, तो आंसर क्या होगा, प्लस करना होगा हमें, 8 प्लस 3 12, तो इसमें तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना होगा, दोनों प्लस होंगे, तो सिंपल आंसर इन द इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस ही होगा। ओके, 8 प्लस 3 आंसर इज 12। इन द सेम वे 9 प्लस 5, तो 9 के आगे कुछ भी नहीं उसका मतलब क्या है, 9 इज पॉजिटिव, 9 प्लस 9 है, ओके, तो 9 प्लस 5 आंसर विल बी 14, और प्लस 14, 14 के आगे कुछ भी नहीं उसका मतलब क्या है, इट इज प्लस 14। तो आप दो नंबर्स दिए गए होंगे प्लस होगा, तो दोनों को एडिशन करना होगा, और जो आंसर होगा उसके सामने प्लस ही आएगा, उसके सामने माइनस नहीं रखना है, ओके, आप प्लस रखो। नाउ द लास्ट रूल नंबर 4, दोनों के सामने माइनस साइन है, माइनस माइनस, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके सामने हमें माइनस साइन रखनी होगी, ये याद रखना है, ओके, हमने ऊपर में क्या किया था, आंसर आने के बाद प्लस ही रखा था, ओके, यहाँ पर क्या करोगे, दोनों माइनस होंगी, तो आंसर में भी माइनस साइन रखनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 5 माइनस 3, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 3 क्या होगा, आंसर 8 आएगा। बट मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, अगर दोनों की दोनों साइन माइनस होंगी तो आंसर में उसके साइन माइनस ही रहोगी, ओके, तो प्लस 5 प्लस 3 8, और 8 के आगे हमने माइनस रख दिया, तो ये याद रखना है। इन द सेम वे माइनस 9 माइनस 9, दोनों साइंस माइनस थे, तो हमने क्या किया, दोनों को एडिशन किया, दोनों का प्लस किया, 9 प्लस 9 18, और से साइन हमने माइनस रख दिया अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस ट्रिक, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस ट्रिक हमने क्या किया, दोनों को एडिशन किया और दोनों माइनस थे, इसलिए हमने आंसर में भी साइन माइनस रख दी। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो आपको वो सॉल्व करने हैं और उसका आंसर पता करना है कि उसका आंसर क्या है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसके आंसर्स क्या क्या है। तो आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं और इंटीजर्स किसे नहीं कहते हैं, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, वो भी हमने देखा, एंड द लास्ट द पार्ट दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमने 4 रूल्स देखे, रूल्स में हमने ये सीखा कि अगर दो साइंस होंगी जो अलग अलग साइंस होंगी, तो हमें उसका अलग अलग साइंस होंगी तो उसका हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और अगर सेम साइंस होंगी तो उसका क्या करना होगा, प्लस करना होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर दो अलग अलग साइंस होंगी तो माइनस करके जो उसके सामने
बड़ी नंबर्स होंगे तो बड़े डिजिट के सामने जो साइन होंगी वो हमें पुट करनी होंगी। इन द सेम वे हमने ये भी सीखा, अगर दो प्लस साइन है तो हमें प्लस करना होगा और हमें आंसर में भी प्लस ही आएगा। इन द सेम वे हमने ये भी सीखा एंडिंग में फोर्थ ट्रिक में कि अगर दो नेगेटिव साइंस होंगी तो हमें प्लस करना होगा और आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म, आंसर हमें नेगेटिव में आएगा। दो पॉजिटिव होंगी तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, दो नेगेटिव होंगी तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। If you really liked our video, then don't forget to hit like button and share this video to your friends. Also, subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the